आप देख रहे हैं प्राइम साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अतीक अहमद 1979 में हत्या के करने के बाद अपराध यानी जरायम की दुनिया में कदम रखने वाला अतीक अहमद, जिस पर 160 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, पर सजा अब तक किसी भी मुकदमे में नहीं हुई। उसके बाद अगर हम बात करें उसके भाई अशरफ की, तो 52 से ज्यादा मुकदमे और 1992 में हत्या के प्रयास के बाद जरायम की दुनिया में उसने भी कदम रखा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि तमाम व्यवस्थाओं को धता बताते हुए लगातार न्यायपालिका से खेलते रहे ये दोनों भाइयों की स्थिति अब शायद यहां पर कुछ अलग होने वाली है। पहले बरेली जेल से अशरफ को लाया गया, नैनी जेल में बंद है, और इससे पहले 1300 किलोमीटर की बड़ी यात्रा करने के बाद 30 घंटे के बड़े समय अंतराल के बाद अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचे और नैनी जेल में उनको हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद किया गया। मामला 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या हुई थी। उस हत्या में अहम गवाह रहे उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण किया गया। उसके बाद अपहरण करने के बाद वहां पर कहा जाता है कि उमेश पाल से जबरन अपने पक्ष में बयान लिखाया गया। उसके बाद स्थिति बड़ी खराब रही। स्थिति इतनी खराब रही कि उस घटना के एक साल बाद खुद की पैरवी करते उमेश पाल ने मुकदमा दर्ज कराया प्रयागराज के धूमनगंज थाने में, और लगातार कार्रवाई चलती रही और मामला लगातार चलता रहा, तारीखें बदलती रही, पर सजा कभी नहीं हुई। कारण क्या रहा? केवल और केवल यहाँ पर तारीखें बदलती रही न्यायपालिका को धता बताते हुए। यहाँ पर जिस तरह से अतीक अहमद लगातार 160 मुकदमे दर्ज होने के बाद केवल और केवल जेल में मौजूद रहा, कभी सजा नहीं हुई और केवल केवल निरुद्ध रहने की एक मुहर अतीक अहमद के ऊपर लगी रही। पर इसके अलग यहाँ पर कल चर्चा भी हुई और उसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और कल कोर्ट इस महत्वपूर्ण मामले पे फैसला सुनाने जा रहा है, जिसके लिए सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं बल्कि सामने सामने होगी। और अतीक अहमद और उनका भाई अशरफ समेत 11 लोग इस मामले में नामजद थे, जिसमें एक की इस मामले में मृत्यु हो चुकी है। बाकी लोगों के खिलाफ कल सभी आरोपी कटघरे में होंगे, कल एक बड़ा फैसला यहाँ पर आएगा। पर उसके पहले जो घटनाक्रम रहा वो कहीं ना कहीं देखने वाला रहा। जिस तरह से कहा जाता रहा, जिस तरह से अतीक और उनके परिवार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में और तमाम जगह पर अपने अपने बयान दिए, एप्लीकेशन लिखी, प्रार्थना पत्र लिखा कि उनकी भी गाड़ी पलट सकती है, गाड़ी पलट सकती है, ये कोई घटना थोड़ी ना होती है। पूर्ववर्ती घटनाओं को अंदेशा लगाकर इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं ये बार स्पष्ट करता है कि डर तो है, पर डर यहाँ पर कोई ऐसा पूर्व नियोजित नहीं होती किसी गाड़ी पलटी जाए। खैर, पुलिसिया व्यवस्था में एनकाउंटर तमाम चीजें होती रहती है, पर यहाँ पर सबके साथ हो ये भी जरूरी नहीं है। पर कहीं ना कहीं डर सबको लगता है और अंदाजा जिस तरह का था उससे निश्चित रूप से वो बेचैनी अतीक अहमद के चेहरे पर नजर आ रही थी। खैर, यह बेचैनी से अलग व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए UPSTP की टीम जो कि साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर आई थी, उसने पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर 6 गाड़ी का कफला 45 से ज्यादा जवान के साथ यहाँ पर अतीक अहमद को लेके आई। नैनी जेल पहुंच चुकी है, बंद हो चुकी है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से घटनाक्रम रहा और बेचैनी साफ नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अशरफ जब बरेली से सीतापुर के रास्ते प्रयागराज ला रहा जाता, उससे पूछा गया कि क्या आपको भी डर लगता है, तो उसका कहना था हम तो राजनीतिक लोग हैं, हमको डर कैसा। तो कहीं ना कहीं राजनीति का अपराधीकरण भी यहाँ पर नजर आता है। अगर राजनीति में इस तरह के अपराधियों को जगह देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए घातक साबित होगा। और फिलहाल 24 फरवरी 2023 को ही उमेश पाल की हत्या इस मामले को स्पष्ट करती है कि जब भी राजनीति में अपराधीकरण बढ़ावा होगा, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी होगी। और यहाँ पर जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई है, उमेश पाल अपहरण का वाला मामला है और कल यहाँ पर फैसला आने वाला है, उस फैसले को देखने के लिए उमेश पाल ही इस समय दुनिया में मौजूद नहीं है। फिलहाल हम वो 10 से वो बयान जरूर देखेंगे जो अतीक अहमद और उनके भाई ने जेल से आते समय दिए हैं मीडिया को जाते जाते। बोलना चाहोगे अतीक
अतिक जी, अतिक जी, डर है आपको? डर है क्या आपको? आपको उनका प्रोग्राम मालूम है? क्या है, क्या क्या लग रहा है आपको? अतिक जी, डर है आपको? डर है क्या आपको? आपको उनका प्रोग्राम मालूम है? क्या है, क्या क्या लग रहा है आपको? अतिक जी, डर है आपको? डर है क्या आपको? आपको उनका प्रोग्राम मालूम है? क्या है, क्या क्या लग रहा है आपको? चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर चर्चा हो रही है माफिया पर, चर्चा हो रही है अपराधी पर, चर्चा उस पर हो रही है जिसके ऊपर 160 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, चर्चा उसकी हो रही है जिसके ऊपर 52 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं गंभीर धाराओं के, हत्या, हत्या के प्रयास, फिरौती, अपहरण, रंगदारी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर, जब साबरमती से प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया, जब कल मामले की सुनवाई के बाद फैसला आना है, तो कहीं ना कहीं ये दर्द उनको भी है जिन्होंने इस खौफ जरा जिंदगी को जिया है, उस खौफ को जिया है। 160 मुकदमे दर्ज करने वाले लोगों को भी कल एक संतुष्टि का एहसास होगा अगर यहाँ पर किसी बड़ी सजा का ऐलान होगा, क्योंकि अगर 160 से ज़्यादा मुकदमे उसके बाद किसी का अब तक मामले में सजा ना होना कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि ये निरंकुश थे, और निरंकुश होने के बाद अब फिलहाल जिस तरह से 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद ये मामला पूरी तरह गर्मा गया, और इस गर्माने के बाद जिस तरह स्थिति देखी गई कि मुख्यमंत्री ने सदन में इस मामले पर बहस के दौरान ये तक कह दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और फिलहाल ये चर्चा महत्वपूर्ण है। मेहमान जी के रूबरू करा दूं, प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव, अपना पक्ष रखेंगे, नेता सपा से विवेक पांडे अपना पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुनील त्रिपाठी भाई अपनी पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में देवेंद्र मिश्रा अपनी बात रखेंगे, धर्म भार्गव सुभाषपा से अपनी बात रखेंगे, और इमरान लतीफ आम आदमी पार्टी से अपनी राय देंगे। सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल है प्रवक्ता भाजपा से, विवेक भाई, अंदाजा था, अंदेशा था, खुलेआम बयान आ रहे थे कि हमारी हत्या हो सकती है, कानून के कंधे पर यार हमको मानने का प्रयास किया जा रहा है, हमको सब पता है क्या प्रोग्राम है, ये डर था, अंदाजा था, या वास्तव में जो पूर्ववर्ती घटना है उनको लेकर एक प्रकार से संशय था? फिलहाल यहाँ सकुशल वहां पहुंच चुके हैं, कल सुनवाई भी होगी और सुनवाई के बाद यह फैसला भी आएगा, कैसे देखते पूरे घटनाक्रम को? पर जिस तरह से यहाँ पर पहली बार फैसला आ रहा है, कितना अच्छा इस फैसले को आप देखते हैं? देखिए गौरव जी, उसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं जी, और लंबे समय से तारीख पे तारीख चल रही है जी। दुखद ये हो जाता है कि एक अपराधी धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है जी कि सामान्य सिपाही, दरोगा, थाने, कोतवाली, सीओ की बस की चीज नहीं रह जाता जी। एक समय था जी कि इलाहाबाद के एसपी सिटी भी इससे अपने परिवार को लेके भयाक्रांत रहते थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको इतना संरक्षण दिया कि धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो गया, सरकारें इसकी गोद में खेलती थी। एक समय था पहली बार निर्दल विधायक हुआ, दोबारा समाजवादी पार्टी के समर्थन से विधायक हुआ, फिर समाजवादी पार्टी से भी विधायक हुआ, अपना दल से भी विधायक हुआ, फिर समाजवादी पार्टी से सांसद हुआ, और जिस इसका जो भाई है अशरफ, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, हार गया, राजूपाल की हत्या होती महीने भर के भीतर, फिर दोबारा कट गए क्या दोनों नंबर, फिर दोबारा समाजवादी पार्टी अशरफ को टिकट देती है, पूरा समाजवादी पार्टी का मंत्रिमंडल स्वयं मुलायम सिंह जी शहर पश्चिमी की गलियों में पैदल घूम करके इसको जितवाते हैं जी, जबकि ये अशरफ
राजू पाल के हत्याकांड का मुलजिम था जी, पूरा शहर पूरा प्रदेश जानता था कि राजू पाल को किन लोगों ने मारा है जी, किस तरह से मारा है। अच्छा, धीरे धीरे ये अपराधी इतना बड़ा हो गया जी। अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरह से अपराधियों और संगठित गिरोहों के प्रति कार्रवाई का दौर चल रहा है, चाहे मुख्तार हो जी, चाहे अतीक अहमद हो, ये पकड़ पकड़ करके कानून की दहलीज तक पहुंचाए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, इतने दुर्दांत अपराधी हैं गौरव जी जी, कि या तो गवाह इनके खिलाफ अदालत जाता नहीं है, और अगर चला गया तो उसका हस्त्र उमेश पाल वाला होता है। अच्छा, ये न्यायपालिका, कानून, पुलिस, सरकार सब कुछ ठेगे पर रखने वाले लोग हैं। अच्छा, हम योगी आदित्यनाथ जी को अच्छा, आपने योगी आदित्यनाथ का बार बार नाम ले रहे हैं कि वो सक्रिय है और लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई, पूर्व में भी आपकी सरकारें रही हैं उस समय अपराधी नहीं थे क्या, ये जमींदोज हो गए थे किस पे, जो आप पूर्व में आपकी कल्याण सिंह सरकार रही, राजेंद्र सरकार रही, पूर्व में जब हमारी कल्याण, तो आप ये दुनिया में नहीं थे क्या अपराधी? नहीं नहीं, बिल्कुल थे। पूर्व में जब कल्याण सिंह की सरकार थी गौरव जी, हाँ, तो इसके खिलाफ पहली बार कुर्की हुई थी। अच्छा, इसके ऑफिस की। अच्छा, भाग गया था प्रदेश छोड़ के। अच्छा, उस वक्त में इसके विदेश भाग जाने की सुगबुगाहट थी जी। उसी कालखंड में मुख्तार अंसारी भाग करके हरियाणा में एक मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में छिप गया था। अच्छा, यूपी पुलिस गई उसको ढूंढ के बहरंग लौट आई थी। अच्छा, और बहुत दिन हमारी सरकार भी नहीं रही कल्याण सिंह जी, 6-6 महीने का समय था हमारा उनका जी, जी। और स्थिति ये थी कि ये इतने बड़े अपराधी, इनको तमाम राज्य सरकारें इनको संरक्षण देती हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी को कांग्रेस पार्टी के संरक्षण का वाक्य आपके सबके सामने है। अच्छा, किस तरह टैक्स पेयर के पैसा फूक करके उसको पंजाब की जेल में रोके रहने की कवायद कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है। अच्छा, वो तो विधानसभा के पंजाब के पटल पे उसका प्रश्न का उत्तर आ चुका है। अच्छा, उस पर मुझे किसी कहने की आवश्यकता नहीं, कांग्रेस वहाँ बेनकाब हो चुकी है। इसी तरह ये जितने भी नाम मैं आपको गिना रहा हूँ, एक समय था ये सब कांग्रेस के समय में ही पैदा हुए लोग हैं। अच्छा, हाँ, ये ताकतवर हुए, जवान हुए, या कह लीजिए जो भी भाषा आप इनके लिए प्रयोग कर लीजिए, वो सब मुलायम सिंह जी के कालखंड में। पैरा कांग्रेस समय हो रहे थे और पोषण उनका सपा सरकार में हो रहा था। बिल्कुल, सबका आपकी सरकार में क्या हो रहा था? हमारे समय में इनका दमन हो रहा है, इस कूड़ा करकट को साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। अच्छा, हम योगी आदित्यनाथ जी की उस दृढ़ इच्छा शक्ति को, जज्बे को सलाम करते हैं, जिस तरह से आज समाज के लिए नासूर बने जो ये अपराधी है, इनको इनके संगठित गिरोहों को नेस्तनाबूद करने का काम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन कर रहा है। ठीक है, विषय ये है कि जिस तरह से ये लाया गया, देखिए हर अपराधी पुलिस के चंगुल में आने पर इसी तरह की बातें करता है, साहब हमको मार देंगे मार देंगे, और जितनों को इसने मारा है, अच्छा, जितनों को इसने मारा है उनके भी परिवार की भावनाएं समझने की आवश्यकता है। यहाँ हमारे दो सिपाही पुलिस के जवान अपने उच्च कर्तव्य परायणता का पालन करते हुए शहीद हुए, उमेश पाल की रक्षा करते हुए जी। तो वो भी किसी के बेटे थे। अच्छा, वो भी किसी के पति थे, वो भी किसी के भाई थे जी। ये सारा उमेश पाल भी किसी परिवार से था जी। ये सारी चीजों को सोचते समझते जी, हमें इनकी बातों को सुनना चाहिए। अच्छा, और अब ये न्याय के दहलीज पे हैं जी। पुलिस ने इनको उमेश पाल हत्याकांड में भी रिमांड पे लेने की अर्जी दाखिल की है जी, पूछताछ भी होगी। अच्छा, सारे इनके जो नेटवर्क है खंगाले जाएंगे और न्याय होगा। अच्छा, रही बात गाड़ी पलटने की, नहीं पलटने की घटना, अखिलेश यादव बोले थे, आपको पता है कल उन्होंने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री ने बता दिया होगा, मंत्री को बता कि कहाँ गाड़ी कब कैसे पलटेगी, वो आप गूगल और अमेरिका की मदद ले सकते हैं, बता देगी गाड़ी कैसे पलटी थी। देखिए होता क्या है जी, अखिलेश जी का बयान, उसके पूर्व में राम गोपाल जी का बयान जी, ये दोनों बयान ये अतीक को कवर फायर दे रहे जैसे, कवर फायर दे रहे हैं। ये उसको एक तरीके से पुलिस बचा रहे हैं, से बचाने की कवायद है। अच्छा अच्छा, क्योंकि जिस तरह के बयान है, आप कहते हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है और उसके लिए फिक्रमंद भी है, हटाया भी नहीं जाता, गले लगाया भी नहीं जाता, क्या पांडे बताए हैं विवेक भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई, लगाया भी नहीं जाता, हटाया भी नहीं जाता है, विवेक भाई बोल रहे हैं, क्या दर्द है आपको? पहले तो मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्ट, जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं और सबसे ज्यादा वरिष्ठ अधिवक्ता आज हमारे बीच हैं आदरणीय देवेंद्र मिश्रा जी, जी सभी को मैं प्रणाम करता हूं जी, और अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अभिव्यक्ति चाहूंगा जी।
देखिए बिल्कुल, ये रिश्ता क्या है ये तो जांच का विषय होना चाहिए था जी, लेकिन आज जांच का विषय कहीं और चला गया। अच्छा भाई, हम तो ये मान के चल रहे थे कि जब 5 करोड़ के आरोप नंदी जी के ऊपर लगाए गए, अच्छा, तो उसकी जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, नैतिकता से इस्तीफा होगा। अच्छा, अच्छा। और उस रिश्ते की जांच होगी कि वो हिस्सेदारी थी, अच्छा, वो सुविधा शुल्क था, अच्छा, या उसमें भागीदारी तो थी। तो अतीक के मामले के जुड़ गया ये मामला भाई, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब इनके मंत्रियों के ऊपर 5 करोड़ के लेन देन का आरोप लगता है, आज का मुद्दा वो नहीं है, तो योगी जी अपनी नैतिकता साबित क्यों नहीं करते हैं भाई? भाई अतीक को संरक्षण। अच्छा एक बात बताते हैं, चलिए एक बात सवाल मेरे अंदर भी है, गुजरात में किसकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बिल्कुल बीजेपी। अगर बिल्कुल बीजेपी की सरकार है, अगर जेल से अतीक अहमद की सुविधा युक्त तस्वीरें बाहर आ रही हैं, तो कौन सुविधा दे रहा है वहाँ? तो क्या कैसे उसको लाया जाना चाहिए, कैसी तस्वीर चाहते हैं आप? भाई मैं तो ये जानता था कि जेल में जिस तरीके की कैदी को कैसे लेकर आया, कैदी को कैदी की तरह तस्वीरों में दिखना चाहिए। बज्रवाहन में वहाँ तो गुलाल उड़ रहे थे, गुजिया रखी है, पूरा टेबल सजा हुआ था, वो भी तस्वीरें आपने नहीं देखी, आपने नहीं देखी होंगी, आप मासूमियत से बोल सकते हैं ये बात, लेकिन हमने तो देखी है। बताइए दीजिए, मुझे पता नहीं है। हाँ मैं तो ये पूछना चाहूंगा, योगी जी का शायद दूसरा कार्यकाल चल रहा है ना जी? अच्छा ये बताइए, नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर संशय है एक बात को लेकर, संशय सामने आने दीजिए। हाँ, कितने मामलों में चार्जशीट खुली है अतीक अहमद की, जरा यही बता दें। अतीक अहमद के ऊपर और योगी जी को बचाव देने वाले जो हमारे आदरणीय प्रवक्ता हैं, बड़े जमीनी स्तर के नेता है, कितने मामलों में चार्जशीट फाइल हो चुकी है? अच्छा क्या ये बता सकते हैं, योगी सरकार आने के बाद अतीक अहमद की इस हत्याकांड के पहले कितने मामलों में चार्जशीट फाइल हो चुकी है? बिल्कुल, अभी मामला गर्म है, इसका जवाब ये दे दे जी। दूसरी बात पे आऊंगा जी, क्या कारण है कि जब ऐसी प्रादेशिक स्तर की घटनाएं हो रही है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल हो रही है जी, तो उत्तर प्रदेश को अभी भी स्थायी डीजीपी नहीं दिया जा रहा? अच्छा भाई, ये भी एक संशय है, ये मांग तो आप कई बार रख चुके हैं। मैं क्यों नहीं रखूंगा जी, उत्तर प्रदेश को डीजीपी ना मिलना एक तरह से बिना मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश का संचालन, अच्छा बात तो एक ही है। अच्छा। उत्तर प्रदेश पुलिस अपने आप में एक संस्था है। अच्छा। और उत्तर प्रदेश जिस तरीके से अपने आप में एक स्वायत्त कार्यवाहक है, तो भाई कार्यवाहक है, तो कार्यवाहक क्या होता है? उसी कार्यवाहक डीजीपी की अगुवाई में यहाँ पर आई है भाई। भाई मैं ही तो यही तो सवाल है, यही तो सवाल है, कार्यवाहक क्यों? क्या आपके पास योग्य परिपक्व गंभीर आईपीएस नहीं बचे? आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या कार्यवाहक का पुनः कार्यकाल बढ़ाया जाएगा अब निकाय चुनाव को जीतने के लिए? आपने मेरा मुद्दा भटका दिया भाई, बिल्कुल नहीं भटका। यहाँ पर बेबे भाई पूछे थे रिश्ता क्या कहलाता है, तो बताइए, गले भी लगा रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, तो बताइए ना, गाड़ी पलटने से आपको दुख होता क्या? अरे अरे, 5 करोड़ के कनेक्शन का रिश्ता क्यों नहीं उजागर किया इन्होंने? अच्छा, जांच क्यों नहीं की उस पे? अच्छा, अपने मंत्री को बिना कुछ कोई जांच के क्लीन चिट दे देंगे क्या? आपको याद होगा जब आदरणीय अखिलेश जी की सरकार थी, एक कुंडा का मामला हुआ था जी, आदरणीय राजा भैया ने नैतिकता दिखाते हुए स्वयं इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस्तीफा दिया था जी, जांच हुई, उसके बाद जो प्रकरण हुआ वो सबके सामने है, लेकिन क्या आज योगी जी के अंदर इतनी इच्छा शक्ति है, नैतिकता है कि वो नंदी का इस्तीफा लेने की हिम्मत भी कर सके? मैं तो सवाल उठा रहा हूँ, और सवाल उठेगा क्योंकि अगर आरोप लगेंगे तो सवाल उठेंगे। अच्छा भाई, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो निकल ही रहा है, आप मौन है, क्यों निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, बता रहे हैं भाई, सरकार तो वर्तमान की है ना, घटना वर्तमान की है ना, बोलना आपका रिश्ता क्या गलत? अरे विवेक जी तो कहेंगे भाई वो अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, उनको योगी जी के सामने नंबर बढ़ाने हैं। हाँ। मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ, नंदी जी का इस्तीफा लेने में डर क्यों रहे? नंदी पे कोई मुंह क्यों नहीं खोला? अच्छा ये बता दीजिए, अच्छा नंदी की जांच नहीं होनी चाहिए क्या? अच्छा आप भी मानते हैं नंदी की जांच नहीं, एक मीडिया के नाते क्या आप मानते हैं कि नंदी के ऊपर अगर आरोप लगे तो उनकी जांच होनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, अगले बयान दिए आप बताइए ना, हाँ या ना, तो मांग कर लीजिए आप, मैं तो कई बार कर चुका हूँ, डाल इसी मंच की पुरानी डिबेट दिखा दूं मैं आपको, वो आप तो डिबेट से इसी मंच की पुरानी डिबेट दिखा दूं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूछ रहा हूं निष्पक्षता से मीडिया मुझे बताए क्या नंदी की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप बताइए, मीडिया से सवाल है मेरा, क्या नंदी की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, अगर कोई संशय जांच हो सकती है, होनी चाहिए ना, लेकिन हो रही है, कोई नेता प्रवक्ता कोई बात तक करने के लिए तैयार है नंदी के ऊपर नहीं है? आप बोल लीजिएगा, अभी आपको समय मिलेगा। ठीक है, अब एक सवाल मेरा और, अब निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सबसे आश्चर्य की बात, दोनों आपराधिक भाइयों को एक ही जेल में रखा गया, अच्छा एक ही जेल में लाया गया, अशरफ को भी और अतीक को भी। अच्छा अब पता नहीं ये साठगांठ है, कोई डील होने वाली है, अच्छा निकाय चुनाव तो की तैयारी है, जेल बना दी जाए जी, अलग जेल बना दी जाए नैनी में। भाई जेल क्यों, आप एक ही जगह पे दो सजा याफ्ता इतने गंभीर अपराध में कन्विक्टेड लोगों को कैसे रख सकते हैं भाई? चलिए कैसे रख सकते हैं बताइए ना मुझे, मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ, क्या फिर कोई रिश्ता, फिर कोई लेन देन, कोई सुविधा शुल्क, या फिर कोई प्रकरण जो एक ही जगह बिठा के डील होना है? भाई मेरा एक ही सवाल है, सीधी सीधी बात, एक लाइन की, 20 अक्टूबर को अतीक अहमद ने सीएम योगी की तारीफ की, ठीक 20 अक्टूबर 2022 को अतीक अहमद ने सीएम योगी की तारीफ की, प्रवक्ता भाजपा चाहे कोई भाजपा नेता किसी ने कोई खंडन नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद 28 अक्टूबर को उनकी धर्मपत्नी शाइस्ता जी ने तारीफ की,
भाई सबसे बड़ी बात है, अपराधियों की तारीफ से इनकी नैतिकता को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 20 को अतीक अहमद ने की, 28 को उनकी धर्मपत्नी ने तारीफ की, और उसके बाद जो प्रकरण आया उत्तर प्रदेश दहल गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक सवाल तो उठा लीजिए, कितने लोग पकड़े गए, मुख्य अभियुक्त जो थे कितने लोग को पकड़ा पुलिस ने अब तक, अच्छा, और नहीं पकड़ा तो ये कागजी ढोल पीटने से क्या मतलब कि हाईटेक पुलिस हो गई। आप एक बात बताइए, आपको भाई दर्द न पकड़ने पर है यहाँ, यहाँ पर अतीक अहमद की सुरक्षा को लेकर है या गाड़ी पलटने को लेकर, क्या व्यवस्था दिया होगी, डर कहाँ था आपका? मेरा तो, मेरी तो उत्सुकता ये जानने में है, हाँ, कि अतीक अहमद के पूरे प्रकरण को जो बड़ी बड़ी मंचों से बातें की गई, भाई इनके कार्यकाल में भगौड़े भी भाग जाते हैं, अपराधी भी भाग जाते हैं, अच्छा, और उत्तर प्रदेश में अधिकारी योगी जी तो पहले दावे ठोक रहे थे पहले कार्यकाल में कि अपराधी तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, तो ये बमबाजी किसने की, पहली बात। दूसरी बात पे आ जाऊं, इन्होंने अभी क्या कहा, दो पुलिस के जवान कर्तव्य परायणता से शहीद हो गए, नहीं हुए क्या, सुन लीजिए मेरी बात, हाँ। बिल्कुल हो गए, और उसके लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी आप ही के मंच से, मैंने कहा था कम से कम 1-1 करोड़ रुपए दोनों पुलिस वाले और अधिवक्ता के परिवार को सहयोग राशि दे, उसके बाद 1-1 सरकारी नौकरी कम से कम तीनों परिवार के लोगों को मिले। क्या किया आपने, उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे ज्यादा जवान आत्महत्या कर रहे हैं योगी जी के पहले कार्यकाल से, आंकड़े दे सकते हैं क्या जी? मैं दे दूंगा आपको, मैं नाम दे दूंगा, आंकड़े दे दीजिए, आंकड़े दे दीजिए किसी, अगर इतनी नहीं, नहीं 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 इतना अगर उनके लिए मुद्दा नहीं भटका रहा हूँ, आप कवर अप मत करिए, आप कवर फायर मत करिए, बस मुझे मेरी बात आने दीजिए, संवेदन यही बात आप आइए ना, मैं बात क्या कर रहा हूँ, संवेदनशीलता कागजी नहीं होनी चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी होगी। हो गया हो गया, बड़े सर्वव्यक्ता हमारे साथ देवेंद्र मिश्रा मौजूद है। मिश्रा जी किस तरह देखते हैं, तमाम धाराओं में FIR है, वो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस टाइप का सजा का ऐलान होगा, बड़ी सजा या छोटी, फिलहाल सजा यहाँ पर बड़ी होने वाली, कैसे देखते हैं? कि हम लोग संविधान के रक्षक हैं, जी बिल्कुल, हम न्याय व्यवस्था में पूरी आस्था रखते हैं जी, और कल MPLA कोर्ट में जो इनके खिलाफ उसमें बिंदु जो तय होने जी, कल उसपे जो बिंदु है 26 उस पर सुनवाई होनी जी, और ये न्यायपालिका पर भरोसा करने वाले पूरे देशवासियों की निगाह इस पर बिल्कुल बहुत ही गंभीर प्रकरण है जी, और निश्चित रूप से जी, जिस तरीके से प्रदेश में और न्याय व्यवस्था चल रही है, किसी भी अपराधियों के खिलाफ कोई कोताही बरतने को न कार्यपालिका तैयार है न न्यायपालिका, ठीक, हमें उम्मीद है कि इनके गंभीर प्रवृत्ति के जी, जो अपराध हैं सैकड़ों से ऊपर इनके ऊपर आरोप हैं, कल दूसरा मामला है देवेंद्र जी, आपको उसमें क्या लगता है क्या सजा हो सकती है, होकर कल जो दूसरा मामला है अपराध का, नहीं देखिये देखिये एक चीज ध्यान रखिए जी, ये जो इनका मामला है जी ध्यान रखिए जी, इनके जो इनके खिलाफ जो मुकदमे 147 मांग वाले हैं, 364 328 341 342 504 506 34 जी, 120B और 7CL एक्ट जी, इन धाराओं में इनके खिलाफ मृत्यु दंड तक का आरोप तय हो सकता है जी। अब बिंदु पे जो बहस होगी उस पर अपना क्या जवाब देते हैं जी, और ये माननीय न्यायपालिका का विषय है, वो इसको संज्ञान में लेके इस पर क्या निर्णय देती है, वो बड़ा बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर बताया, ठीक है ठीक है। दयाराम भार्गव सुभाष पांडे, दयाराम भाई यहाँ पर सजा होने वाली है और निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ पर ऐलान होने वाला है, सभी देशवासियों की यहाँ पर आंख है उसी मामले पे लगी हुई है, घटनाक्रम रहा बड़ा घटनाक्रम, 1300 किलोमीटर की यात्रा के बाद यहाँ पर अतीक अहमद नैनी जेल पहुंचा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात किस तरह इस पूरी व्यवस्था को आप देखते हैं? देखिए गौरव भाई, माफिया को 1300 किलोमीटर चलाया गया चाहे 2000 किलोमीटर, चलिए माफिया माफिया है, चलिए इसको सरकारी दमाद बना के क्यों सरकार रख रही है, सीधा सा सवाल दोबारा बता दीजिए दयाराम भाई, आपने क्या स्पष्ट बोला है, सुन लीजिए। सरकारी दामाद का मतलब मैं बता रहा हूँ कि सरकारी खर्चे पे ही तो हो रहा है, जनता के टैक्स के पैसे से तो हो रहा है, मेरा बिल्कुल, बिल्कुल। जनता का पैसा तो वो अपना जब बाहर था तब लूट रहा था गरीबों का, अब जेल में तब भी जनता के टैक्स के पैसे से मैं कर रहा है,
ऐसा कोई अपराधी है उत्तर प्रदेश में जिसका पूरा खानदान ही परिवार ही पूरा इस चीज में लिप्त हो? जैसे होता नहीं है कि गांव अगर घर में किसी का कोई डॉक्टर है तो उसके परिवार के लोग डॉक्टर होना पसंद करते हैं जी। कोई अधिवक्ता है तो कोशिश करता है कि हमारा पूरा परिवार अधिवक्ता बन जाए जी। कोई सांसद मंत्री विधायक बनता है तो सोचता है कि चलो हम इस लाइन में आ जाए। लेकिन इनका तो कृत उल्टा ही है। पहले के समय में पूर्वांचल में जो है एक प्रकार का जो जंगल राज या उसको कह लीजिए कि जो पहले दस्यु सुंदरी हुआ करते थे। अच्छा। पता है मतलब ये जो सुनने माया करता था कि आज इस जंगल में इस बिहड़ में समझ रहे हैं। अच्छा। वो एक पर्याय बना हुआ करता था। अच्छा। वो लोग जो है पर्ची डाल करके लिख के लिफाफा डाल करके उस गांव में भेजते थे। अच्छा। कि फला दिन हम आपके यहाँ डाका डालेंगे। अच्छा। पुलिस भी रहती थी सब कुछ होता था वो डाका डाल के चोरी करके निकल जाते थे जी। तो वो उसके बाद पैटर्न बदला। उसके बाद जब गौरव भाई बदला तो ये इस तरह के माफिया आ गए। अच्छा। इन लोगों ने डरा करके धमका करके लोगों को मार करके यानी इन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमारे साथ एक कृतियां होगी। अच्छा। और ये कृतियां हो रहा है इसका हम स्वागत करते हैं। चलिए स्वागत सजा कोर्ट दे इसका स्वागत कर। दूसरी बात सुन तो लीजिए। सुना लीजिए। लेकिन इसी के साथ में प्रश्न ले जाइए थोड़ा सा जी। हमारे भाजपा के साथी सपा के साथी सपा के साथी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अच्छा। दरअसल क्या है कि समाजवादी के सहकार बीजेपी कर रहा था सपा में जरूर बोलेंगे प्रेम बहुत है आप। ये मैं तो बसपा और सपा में कांग्रेस तीनों की बात कर रहा हूँ। मैं भाजपा की भी बात कर रहा हूँ भाई सुन तो लो। यहाँ जो माफिया है वो माफिया जो है केवल एक पार्टी का नहीं है सब पार्टी का माफिया है। अच्छा। समाजवादी के समय में पला पोसा तो बसपा ने भी सह दिया। अच्छा। पहली बार क्राइम की दुनिया में उतरा। अच्छा। और अगर वो जेल गया तो उसको निकालने का काम कांग्रेस के राजीव गांधी द्वारा किया गया। अच्छा। दूसरी बात ये सारी कृतियां ठीक आती है सरकार योगी सरकार नहीं पूरा तंत्र। अच्छा। बढ़िया काम कर रहा है हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा। लेकिन उत्तर प्रदेश में और भी लोग हैं जिनपे जघन्य अपराध है। ब्रजेश सिंह है विनीत सिंह है सुनील सिंह है ब्रिजभूषण सिंह है रघुराज प्रताप सिंह है धनंजय सिंह है गुट्टू सिंह है मोनू सिंह है सोनी सिंह है कुलदीप जी अंदर चले गए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ये कहे ये माफिया है तो ये कौन से माफिया ये राम भक्त है। अच्छा। इन लोगों ने भी आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित की है। इसी तरह मैं तो योगी सरकार से आपके चैनल से मांग करता हूँ। अच्छा। उत्तर प्रदेश में जितने क्रिमिनल है या तो उनको एक ही जेल में बंद कर दो। अच्छा आप, अच्छा एक सवाल रहेगा मेरा दयानंद भाई अब्बास अंसारी को बताइए थोड़ा सा। अब्बास अंसारी बिल्कुल अब्बास अंसारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल से विधायक हैं। अच्छा सिंबल से विधायक लेकिन वो नेता समाजवादी पार्टी के। अच्छा तो उनको हटाएंगे क्या फिर बता रहा हूँ। हाँ हटाएंगे क्या? अरे भाई उनको सजा मिलेगा कोर्ट देगा हट जाएंगे हमें हटाने की जरूरत क्या। अभी अभी आपको पता है पूरा घटनाक्रम उनका पता है ना आपको उनकी उनकी वाइफ का पता पता है को तो बयान नहीं आया उसमें आपके बयान दे दीजिए बोल दीजिए आप बताइए ना कौन सा बयान चाहिए बताओ मैं बता रहा हूं। आप बताइए ना जो पूरा मामला घटनाक्रम चल रहा है जेल में मिलने से लेकर तमाम चीजों को लेकर लगातार घटनाक्रम चल रहा है। अभी आपने कहा कि पार्टी में अपराधियों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए उसी में मैंने मेरे को याद आ गया मैं पूछ लूं आपसे जी। अब सुन लीजिए समय दीजिएगा सुना लीजिए समय दे रहा हूं। हम गठबंधन में समाजवादी की सरकार में थे हमको 17 सीट मिली गठबंधन में थे 5 सीट सुन तो लीजिए पहले सुन लीजिए। देखो श्रीवास्तव भाई अगर सुना रही है बोलने का मौका दो बिल्कुल बिल्कुल 2022 के चुनाव में अखिलेश सरकार के हम गठबंधन में सहयोगी में ठीक चुनाव लड़े हमको 17 सीट मिली 12 सीट अखिलेश ने तय किया 5 सीट हमें मिला हमने स्वतंत्र लड़ाया ठीक ध्यान रखिएगा। लेकिन उस 12 सीट में सुन लीजिए 12 सीट में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जी जिन्होंने ये तय करके भेजा कि जाइए आप वहां से चुनाव लड़िए सिंबल जो है राजभर जी का यानी कि क्या नाम आपको छड़ी चुनाव चिन्ह जी। अब हम गठबंधन में उन्होंने दिया हमने लड़ा दिया। अच्छा। अब बताइए नेता कहां से हमने कहा उनको पाला पोसा। दूसरी बात अच्छा। अगर उन्होंने हम फिर करें अगर उन्होंने कृतियां अच्छा, की है आय से ज्यादा संपत्ति है अच्छा तो उनपे सरकार मेरी बात तो सुनिए मुकदमे है कि नहीं है जी बोल लीजिए। मैंने कब कहा कि नहीं है मुकदमे बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल आप बताइए मैंने कहा हमारी पार्टी के सिंबल से वो विधायक है नेता आज भी वो समाजवादी पार्टी के हैं। अच्छा, और सुनिए इन्हीं के समाजवादी पार्टी के आपका है और नेता समाजवादी पार्टी के सुन तो लो जारी करके उनको अलग कर दे समाजवादी पार्टी के नेता जाफराबाद के लेटर अलग कर दे अपना ठीक है
अब सुन तो लो, जगदीश जी है जाफराबाद से विधायक, हमारे सिंबल पे है। हाँ। आज भी वो अपनी गाड़ी में समाजवादी का झंडा लगा के दोनों हटा दीजिए, आपके झंडा लगाए सुभाषपा का झंडा क्यों लगाते हैं? नहीं गौरव भाई, समाजवादी बताए नहीं बात को, समाजवादी पार्टी ने हमें अपने गठबंधन में रख करके, जब हम इनके साथ नहीं गए थे, हम तो हक अधिकार के लिए गए, चले ठीक है हो गया, वंचितों के हक अधिकार की बात करने के लिए गए थे, लेकिन इन्होंने माफिया कर दिया, हम क्या करेंगे? चले बाद में पूछेंगे रिश्ता क्या कहलाता है, बाद में पूछूंगा। इमरान लतीफ भाई किस तरह से देखते हैं पूरे घटनाक्रम को, सजा होने वाली है, कल्याण होगा, और जिस तरह से विपक्ष की अपने अपने यहाँ पर धारणाएं हैं, अपने अपने बयान हैं, और निश्चित रूप से अगर लंबे समय के बाद यहाँ सजा होने वाली है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के लिए और जनता के लिए एक सीख जरूर मिलेगी। यहाँ पर सजा क्या होती है वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। आपका क्या राय है इस मुद्दे पे? तरीके से किसी भी अपराधी को जो भी सजा मिलेगी वो मिलनी चाहिए, जिसने जो अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए, कहीं से कोई दो राय नहीं जी। और आम आदमी पार्टी का भी यही मानना है कि जो बाहुबली हैं, जो अपराधी हैं जी, और जिनका जिनके आतंक से अभी तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट रही है जी, उनको निश्चित रूप से कानून संबल तरीके से सजा मिलनी चाहिए, इसमें कहीं से किसी को कोई गुरेज नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं जी। लेकिन कुछ सवाल है जी, अगर इसमें एक सिलेक्टिव ऑपरेशन किया जाएगा, कुछ लोगों को चुनकर सजा दी जाएगी, और अपने मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो सजातीय बाहुबली हैं, अच्छा, जो कई बार योगी आदित्यनाथ जी को भी चुनौती देने का काम करते हैं, जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज होते हैं, उन पर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनके घर की तरफ बुलडोजर क्यों नहीं जाता? उनके घर की तरफ पुलिस वाले क्यों नहीं जाते? जी अभी तमाम तरह के मामले आए, हम एक एक करके तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं, बाहुबली हैं, अपराधी हैं, जो गर्व से सीना ठोक के कहते हैं कि वो बाहुबली हैं, अच्छा। उन्होंने इनको ऐसे हत्या करी थी और ऐसे गोली मारी थी और ये किया था वो किया था, जो बाकायदा टीवी पर आकर और समाचार चैनलों पर आकर अपनी अपनी उस अपराध गाथा का गुणगान करते हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा क्या? अच्छा, या सिर्फ अपनी एक नफरत की राजनीति का एजेंडा, नफरत की राजनीति कर रहे हैं कुछ अपराधियों को? नहीं, मैं कुछ अपराधियों को, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अतीक अहमद बिल्कुल पाक साफ है, उनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, कोई अत्याचार अन्याय नहीं हो रहा है, जो कुछ उन्होंने किया होगा उसकी सजा उनको मिल रही है जी। लेकिन सिर्फ अतीक अहमद को ही क्यों मिल रही है? अच्छा, जो लोग योगी आदित्यनाथ जी को चुनौती देने का काम आज के समय में कर रहे हैं उनको सजा कब मिलेगी? बिल्कुल, या उनसे निपटने भर के नहीं है मुख्यमंत्री जी हमारे? एक बनारस के हमको एमएलसी साहब याद आते, इतना रोए एमएलसी के चुनाव के दरमियान, चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके सामने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक बाहुबली के चरणों में जाके गिर गई थी। अच्छा, आज यही जो योगी आदित्यनाथ जी जो इतने अपने आप को सुधीर मुख्यमंत्री समझते हैं, उनको वो उनकी भी हालत खराब थी, वो अपने प्रत्याशी का साथ नहीं दे पाए, इनके संगठन के लोग सुदामा पटेल का साथ नहीं दे पाए, ब्रजेश सिंह के साथ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही शीर्ष नेतृत्व से लेकर उनका बूथ का कार्यकर्ता तक जी। और टिकट मिला था सुदामा पटेल को, एक बार सुदामा पटेल के दिल से पूछ लीजिए जी कि बाहुबली का खौफ क्या होता है, उस खौफ का भी इलाज करेंगे और योगी आदित्यनाथ जी नहीं करेंगे? जो दर्द सुदामा पटेल जी को हुआ उसका भी इलाज होगा कि नहीं होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। पूछ लेता हूँ। धनंजय सिंह के साथ भी कुछ होगा कि नहीं होगा? विनीत सिंह के साथ कुछ होगा कि नहीं होगा? उनके घर में बुलडोजर जाएगा जी, उनके ऊपर भी, उनको भी जेल के अंदर डाला जाएगा, उनके साथ क्या किया जाएगा बताएं, उनके साथ योगी आदित्यनाथ जी क्या करेंगे? ठीक है, पूछ लेता हूँ। और एक सवाल और जो बार बार उभर कर आ रहा है, इन्हीं के एक मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है नंदी साहब, उनका नाम बार बार अतीक अहमद साहब के साथ जुड़ता है, एक बार जांच कराने, एक बार उनको भी थाने में ले जाके बिठा के कुछ पूछताछ कर ले योगी आदित्यनाथ जी के जो पुलिस के लोग हैं वो। अच्छा, तो इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है, सिर्फ यही है कि कुछ चुनिंदा बाहुबलियों को, चुनिंदा अपराधियों को टारगेट करके जिनको सजा देगी कोर्ट जी, योगी आदित्यनाथ जी सजा नहीं देंगे, अच्छा पुलिस सजा नहीं देगी, कोर्ट सजा देगी, लेकिन प्रचार करेंगे योगी आदित्यनाथ जी। देरा दुरुस्त, ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी, बड़े पत्रकार, क्या राय है आपकी? देखिए गौरव जी, मेरा ये मानना है कि एक अपराध के युग का अंत हो रहा है कल। अच्छा, क्योंकि अतीक का अपराध मैं क्या कहूँ, सारी मीडिया सारे लोग जानते हैं।
अच्छा। मैं एक घटना को बताना चाह रहा हूँ। एक पुलिस अधीक्षक मेरे मित्र थे, इलाहाबाद पोस्ट थे, उन्होंने हमको खुद बताया कि मैं वहाँ तैनात था और अति के गुरुगो ने हमारी मिसेज को फोन किया फिल्मी स्टाइल में कि आपका बेटा जहाँ पढ़ रहा है वहाँ से लौट के जिंदा नहीं आएगा अगर हमारे गैंग पे हाथ डालेंगे। अच्छा। कह रहे थे कि मैं लौट के आया, अपना ट्रांसफर कराया और लखनऊ आ गए कोऑपरेटिव जेल में। अच्छा। तो सोचिए जब पुलिस अधिकारियों आईपीएस अफसरों की ये स्थिति वहाँ रही होगी तो वहाँ की जनता जनार्दन कैसे जी होगी। सबसे बड़ा फैसला तो आप समझिए उन व्यक्तियों के साथ होगा जो बरसों से इंतजार कर रहे थे इस अपराधी से मुक्ति पाने के लिए। गौरव जी, मैं उत्तर प्रदेश सुनील भाई, आप मेरा सवाल आपसे रहेगा, बस पत्रकार है, आपको लगता है कि इतने लंबे समय से लगातार तारीख पे तारीख चलती रही, एमपी एमएलए कोर्ट में अब फैसला होने जा रहा है, ये पूरा घटनाक्रम अगर अतीक अहमद 1979 से जराइम की दुनिया में कदम रखे थे, उसके बाद जिस तरह से राजनीति में उनको संरक्षण दिया गया, सांसद बने, उसके बाद लगातार घटनाक्रम दौर चलता रहा, इतने सैकड़ों से ज्यादा मुकदमे उनके पास दर्ज है, तो किस तरह यहाँ पर राजनीति सरस्वती मिलती रही और पोषण मिलता रहा, अब तक कार्रवाई नहीं हुई और अब पहली बार सजा होने जा रही है। देखिए गौरव जी, कुछ घटनाओं का मैं प्रत्यक्ष गवाह भी हूँ जी। हाउस के अंदर, विधानसभा सत्र के अंदर मुख्तार अंसारी, अभी विवेक जी को बुरा लगेगा, अखिलेश जी कान में ऐसे जाके बात करते हैं, मैंने प्रत्यक्ष देखा, मैंने नहीं सारी मीडिया ने देखा हाउस के अंदर। अच्छा। वो दौर मुख्तार बात करने गए होंगे, क्या बात है? अरे बात करें तो हाउस के अंदर आप दिखाना चाह रहे हैं कि बात करने जा रहे हैं? बात करने के लिए आपके मुद्दे हैं, बहुत कुछ है कि कहने में बात करना चाह रहे हैं आप? अच्छा। ऐसे अपराधी दिखाते हैं अफसरों को मीडिया के माध्यम से कि देख लीजिए सीएम तक मेरी कितनी पहुंच है, मैं कान बात कर रहा हूं। अच्छा। इन अपराधियों का इतिहास उठा के देखिए तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को पाला है। अच्छा। भले विवेक जी को बुरा लगे लेकिन पूरी जनता देश प्रदेश की जान रही है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस ने पैदा किया, पालन पोषण समाजवादी पार्टी ने किया, पूरे देश के माफिया होगा नहीं, पूरे देश मतलब उत्तर प्रदेश पर आप इससे पहले भी देख लिए, चाहे चंबल हो, चंबल में भी समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से सक्रिय रही और उसके बाद एक चंबल की ही दुर्दांत समझिए अपराधी को इन्होंने ही कैसे मौत घात उठा दिया, तो जग जाहिर, मैं कहना नहीं चाह रहा, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं इसके, लेकिन उत्तर प्रदेश जनता जो उजाड़ रही है, जब तक इनके इशारे पे अपराधी काम करते रहते हैं तब तक वो सेफ रहे। और मैं आपको अतीत लेना चाह रहा हूँ, श्री प्रकाश शुक्ला की हत्या किसने कराई? अच्छा। कल्याण सरकार मारे गए। अच्छा। सत्तू पांडे के, भले ब्राह्मण थे अलग बात है, लेकिन सत्तू पांडे की हत्या कराई तो भाजपा ने कराई। भाजपा की सरकार चाहे कल्याण सिंह के पीरियड में रही हो, चाहे अब योगी जी के पीरियड में रही हो, अपराधियों के खिलाफ हमेशा उनका सख्त रुख रहा है। अच्छा। ये पूरा प्रदेश जानता है। और गौरव जी, इसी बात पे उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है। अच्छा। लैंड ऑर्डर पे ही, लैंड ऑर्डर ही अखिलेश जी का फेल हुआ, सरकार चली गई, वरना कार के मामले में अखिलेश जी का कोई कमी नहीं थी। अच्छा, काम किया, चलो काम कर लिए, काम किया, खुशी की बात है, लेकिन लैंड ऑर्डर पे सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी थी। ठीक है, ठीक ठीक है। बेबी भाई, श्रीवास्तव जी, आप कुछ बोल रहे थे सबकी बात पर, जयराम की बात पर बोल रहे थे और इमरान की बात पर भी बोल रहे थे, और आप विवेक पांडे की बात पर कुछ बोल रहे थे। देखिए विवेक पांडे जी बढ़िया नंदी का नाम ले रहे हैं बार बार। देखिए कोई आरोपी अगर किसी का नाम ले ले तो हर आरोपी की इस तरह के प्रश्नों पर सरकार जांच करेगी। आमतौर पर अपराधी इस तरह की कार्रवाई इसलिए करते हैं कि विषय से ध्यान हटाया जा सके। अच्छा, विषय ध्यान हटा रहे हैं सरकार, सरकार इस स्टेप पर नहीं फंसने वाली, नहीं उस पर तो जवाब ही नहीं देंगे ना, ये उस पर बोलने के बजाय ये आपसे कुछ भी बात करेंगे। अच्छा, उस पर ही बोलेंगे, आंखों चंद्रमा की दूरी बताने लगे, सैफई के घर में कितने कमरे बताने लगे। अच्छा, कुछ कुछ दूसरी बात करेंगे, भाजपा बताती है ना, लेकिन मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, भाजपा बताती है किसके कितने मकान है, कहां होटल है, अखिलेश यादव कहां लंदन में है, कहां मलेशिया में है। आपने बोला, मैंने आपको नहीं, तो ये तो भाजपा बताती है, सुन ले, भले अलग बात है कि पूरे देश में स्टार कार्यालय बना दिए हैं, लेकिन विषय पे आपको बात करना नहीं है, बताइए नंदी को क्लीन चिट दे रहे हैं? हम कह तो रहे हैं आपको विषय बात करना नहीं है, क्लीन चिट दे रहे हैं, राम गोपाल को क्लीन चिट दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, वाह ले लीजिए, सुन लीजिए, राम गोपाल को कहानी खत्म, राम गोपाल को हिस्सेदारी सामने आ गई, चलिए हो गई, एक अपराधी के लड़के के बारे में राम गोपाल की चिंता क्यों है? गाड़ी पलटे न पलटे अखिलेश यादव जी दिखने क्यों रहे हैं? भाजपा का नेता प्रयागराज के मामले में भाजपा का नेता सामने आता है, आप आदरणीय पत्रकार महोदय ने अखिलेश जी का नाम लिया,
अखिलेश जी ने की टिकट काटी, अतीक अहमद को मन पे चटक दिया, सुन लीजिए, अपराधीकरण को दूर करने का काम किया, लेकिन इनको ये याद नहीं आया कि मिर्जापुर तारीफ तो करिए आपकी, अरे सुन लीजिए भाई, तारीफ तो करिए, सुन लीजिए, मिर्जापुर में योगी जी एक माफिया के साथ पूरे दिन टहल रहे थे, वो इनको नहीं दिखा। अच्छा भाई, सिलेक्टेड कहीं ना कहीं देना पड़ता है वक्तव्य, क्या करें। अच्छा, सरकार ऐसी है जो देखिए ऐसा है, प्रभावित कर रही है, ये विषय पे बात नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ, अच्छा एक बात दिया हो, एक बात बताइए, एक बता दीजिए हमको, पूरे दिन साथ में घूम रहे थे, अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए भाई, पूरे दिन माफिया के साथ टहल रहे थे, क्या मौन व्रत रखा था क्या, बताइए ना, आप टहल रहे थे क्या मिर्जापुर में, विनीत सिंह पूरे दिन थे कि नहीं योगी जी के कार्यक्रम में, बताइए ना, आप एक बात बताइए, बहराइच गए थे योगी जी, सुन लीजिए, एक हिस्ट्री सीटर पर मंच पे लोकार्पण करते हुए मूर्ति के साथ दिखा कि नहीं फोटो में, बताइए ना कहां से लेके आते, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपको प्रणाम करता हूं, निष्पक्षता की बात, विषय पे बात करिए भाई, अतीक से समाजवादी पार्टी के रिश्ते क्या, अतीक से बताइए, आप पूछा जा रहा है, आप टकरा पा पड़ रहे हैं, हमसे बताइए, 5 करोड़ आप दे रहे हैं, सुविधा शुल्क आप ले रहे हैं, और आरोप अखिलेश जी पे, ये कौन सा चलता क्या कर, अपने आपराधिक मामले, अपने आपराधिक मामले योगी जी वापस लेते हैं, और अखिलेश जी के ऊपर प्रभाव आरोप लग रहा है, अच्छा ठीक से क्या रिश्ता समझ रहे हैं, ये बताइए, ये बताइए, माफियाओं की तरह अपने मुकदमे वापस लेने वाले जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, क्या वो एक अपराधी को अतीक बात करिए, अतीक ठीक, अतीक पे बात करते हैं, बताइए अतीक की कितनी चार्जशीट आपकी सरकार ने खोली, ये बताइए, इस अपराध के पहले, इस घटनाक्रम के पहले बताइए, इस वैसे तो जवाब दीजिए भाई, अतीक अहमद की कितनी चार्जशीट आपने खोली, बोले 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 बोले, जितने मुकदमे आपकी सुनवाई में आए हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के समय में ही सुनवाई में आए, भारतीय जनता पार्टी के जो आए हैं, ये बताइए ना, बम कांड के पहले, पाल हत्याकांड के पहले, अतीक अहमद की कितनी चार्जशीट आयोगी जी ने खुलवाई, ये चार, ये कितने मुकदमे आपको बताया, सुन लीजिए, आप बताइए, पहले सुनो, सुना कितने मुकदमे, पहले सुनने की आदत डाली, वर्तमान में सुनने की आदत डाली, बताइए ना, ये मुकदमे की सुनवाई ही हो रही थी, उसमें उमेश पाल का बयान था जिसकी गवाही हो रही थी, गवाही की अंतिम पूरी होने से पहले उसकी हत्या कर दिया गया, संविधान के नियमों को ताक पे रख के अपने मुकदमे वापस लेता है, अपने मुख्यमंत्रियों के मुकदमे वापस, अब आप विषय से डिग्रेड हो रहे हैं, आपको ये विवेक जी, आपकी समस्या ये है, आपको विषय पे नहीं बात करना है, एडीआर की रिपोर्ट, आप विषय पे नहीं बात कर रहे हैं, आप एडीआर की रिपोर्ट बात कर रहे हैं, अभी आप हैप्पीनेस इंडेक्स बताने लगेंगे, अभी आप ऑर्डर स्कीम बताएंगे, लेकिन आप मुद्दे बात नहीं करेंगे, अभी आप पुलिस वालों की छुट्टी बात करेंगे, अभी आप नाटक मत करिए, विषय पे बात करिए, अतीक जैसे अपराधी से समाजवादी पार्टी के क्या रिश्तेदारी है ये बताइए, क्यों अखिलेश यादव को दर्द है, क्यों रामगोपाल यादव को दर्द है ये बताइए, आतंक अगर आप पूरा करकट साफ कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द किस बात का है, अखिलेश यादव पेट में दर्द किस बात का हो रहा है, आप बताइए, बताइए जवाब कहाँ दे रहे हैं आप, आप तो हैप्पीनेस इंडेक्स बता रहे हैं, आप सुनिए, उस बात आप बातें कर रहे हैं, आप बोलने का, सुनिए, आप जवाब बोलना नहीं चाहते, आपका मंत्रिमंडल हो रहा है, अरे हम साफ करें पूरा करकट, धंधी को उठाइए भाई, हमने एमपीएमएलए कोर्ट हमने बनाया, अदालत फैसला दे रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, पूरा करकट साफ करेंगे, आप योगी आदित्यनाथ के जज्बे को सलाम क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं बता दूंगा माफिया को, नंदी का इस्तीफा, अरे भाई नंदी का इस्तीफा, उसका नाम नंदी का इस्तीफा, अखिलेश यादव का इस्तीफा, नंदी का इस्तीफा, अरे आप मुद्दे पर रहिए, अखिलेश यादव जेल में भिजवाओगे, आप योगी जी को जेल भेजो, आप बताओ आप योगी जी को जेल भेजो, कब जेल भेजवाओ, आप योगी जी को जेल भेजो, की मदद कर रहे हैं, अरे किस मुद्दे पे भेजे भाई, अपराधी की मदद कर रहे हैं आप, आपके बारे में क्या बोलोगे, आप योगी जी, आपके योगी जी, आपके योगी जी, आपके योगी जी, आपके योगी जी, हो गया योगी, योगी मुलायम सिंह की फोटो है, योगी कुत्ते से हाथ मिलाते हुए, क्या बोलोगे आप जी, चलिए ठीक है, बेबी पांडे आप बहराम भाई की बात पे कुछ बोल रहे थे, बेबी पांडे नहीं, दयाराम भाई से मैं एक सवाल पूछूंगा बड़े शिष्टाचार के साथ, पूछ लीजिए, अगर इनके आधे से ज्यादा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, हाँ। तो इनकी सीटें कितनी हैं वास्तव में, जरा बता दीजिए भाई, इनकी वास्तविक सीटें कितनी हैं, क्योंकि ये टंका तो सबको जोड़ के बताते हैं, दो आदमी बताए उन्होंने, विजयी तो बताते हैं सबको जोड़ करके हुए हैं, हाँ। लेकिन वास्तविक सीटें हैं कितनी वो बता दे, बता दीजिए, बता दीजिए भाई, बस एक सवाल, सवालों का जवाब दूंगा, पहले सुन लीजिए, सपा बसपा की लड़ाई,
जी। एक हमारे पूर्वांचल में कहावत है जी गौरव भाई जी, जब गोयडे आए बारात तो समदिनिया पेट खराब जी, जब गोयडे आए बारात तो समदिनिया पेट खराब। ये पेट खराब समाजवादी पार्टी का हो या भारतीय जनता शब्द अलग है, शब्द अलग है। जब तक विकास होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ काम नहीं पता मेरे पार्टी बोला इनको आखिरी शब्द बोला तो काम नहीं पता आखिरी शब्द इनको नहीं पता। यही सबसे बड़ी समस्या, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, बिल्कुल अरे बोलिए 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 बोलिए। अब सुनिए, ये चरितार्थ इसलिए बता रहा हूँ कि आज की डेट में ये बिल्कुल सटीक है। अच्छा, चाहे वो सपा हो या भाजपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, सर्वाधिक राज इन लोगों ने किया, लेकिन जनता को कुछ देने का काम नहीं किया, हनन करने का काम किया। जब तक विकास दुबे जिंदा था, भारतीय जनता पार्टी में था, जब तक नुकसान नहीं किया तब तक वो डैमेज नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये ठीक है, माफिया किस दल में नहीं है, हमने कहा ना माफिया किस दल में नहीं है। अरे कैसे स्वीकार, सुनिए मेरी बात, सुनिए कर दिया, लेकिन सुन तो लीजिए। माफिया अगर जिस दल में है कार्रवाई करे ना सरकार, भारतीय जनता पार्टी कर रही, समाजवादी क्यों नहीं कर रही, बसपा क्यों नहीं करी, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, सीटें पूछ रहे हैं। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, इन्होंने कहा कि सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी किसने विधायक, छह विधायक। अच्छा, छह में नाम बताइए, छह विधायक कौन कौन, नाम बता दीजिए, छह विधायक नाम बताइए। लेकिन सुन लीजिए, हम नाम क्यों गिनाए, वो जानते हैं, अरे नाम बताइए, बढ़िया जानते हैं, हमें नाम से मतलब नहीं है, सीटें हम नाम नहीं गिनाते। उसका कारण ये है, उसका कारण ये है, समझ लीजिए, आंकड़े दिखाने होंगे, जगदीश राज चलेंगे, आंकड़े दिखाने के माध्यम से बता दे, किस तरीके जगदीश राज जाफराबाद से विधायक है, सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी के सिंबल थे, आंकड़े दिखाने के लिए अपराधी चाहिए, गाड़ी में टैग लगा के चल रहे साइकिल का निशान, हटा लीजिए ना, आप क्यों उनके जोड़े हुए भैया, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरी बात, जब आपका गठबंधन टूट गया, हटा लीजिए उनको, हमको 17 सीट दिए, बीच में ही हमारा गठबंधन टूट जाता, लेकिन चूंकि हम तो बोल दिए थे चाहे हमें एक सीट ना मिले तो भी अखिलेश के साथ हम खड़े रहेंगे। इन्होंने हमें 5 सीट स्वतंत्र दिया, 12 सीट इन्होंने फिक्स करके बोला जाके राजभर मजबूर से बेचारे, बताइए कितने पांडे बोले मजबूर से, क्या मजबूर से बताइए, मजबूर से बेचारे। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के कथनी करनी में इतना अंतर है, एक कहावत है जो घर ना देखा, कोई मजबूर करके बिठाया था क्या, कोई मजबूर करके बिठा रखा था क्या गठबंधन करने के लिए, तोड़ दीजिए सपा वाले, सहमत हुए, सहमत हुए, सहमत हुए तो सीटें मिली, नहीं मिल, नहीं होते, नहीं मिलती, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना, आपका झंडा नहीं लगा रहा है, सपा वाले को हटा दीजिए, हटा दीजिए, पांडे जी एक लीटर जारी करते हैं, हमारा विधायक नहीं है, बता रहा हूं भैया, जो है तो भारतीय समाज पार्टी को ही बात है भाई, हम तो अपराधी, मैं फिर बता रहा हूँ, ये समाजवादी भाई मुद्दे पे आइए, दयाराम भाई मुद्दे पे आइए, सहयोग करिए सरकार का, कूड़ा करकट साफ हो रहा, सहयोग करिए सरकार का भाई। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर है जिसमें कि आजीवन प्रतिबंध करने की मांग की गई है आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं को, भाजपा उसका विरोध क्यों कर रही है, क्यों विरोध कर रही है भाजपा, हलफनामा क्यों दायर कर रही है, पक्ष में नहीं कर रहा भैया, बताइए भाई क्यों, क्यों बताइए, बताइए बताइए, आप लो, आप लो, आप लो, आप लो, आप लो, न्यायपालिका के सामने समर्थन पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे, यही समाजवादी की नीति है कि विषय को डिरेल करिए, इस पे बात करने से बचिए, नंदी को बचाइए, खाते है आपसे, अपराधियों की पार्टी, इमरान लतीफ कुछ पूछ रहे थे विवेक श्रीवास्तव से, मोहब्बत बेनकाब हो चुकी है, मोहब्बत है, ठीक है, मोहब्बत किसकी है वो सबको पता है, ठीक है, मुझे सबके मोहब्बत पता है जी, अपराधियों की पार्टी भाजपा भैया, बोलिए इमरान भाई कुछ पूछ रहे थे विवेक श्रीवास्तव से जी, नहीं जो मैंने सवाल किए थे मेरे किसी सवाल का जवाब, विवेक भाई सजाती लोगों का नाम दे रहे थे, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे, नंदी का नाम आ गया, आएगा भी नहीं, सजाती लोगों का नाम दे रहे, नंदी का नाम आ गया, आएगा भी नहीं, ये लोग जिस दृष्टिकोण से देखने वाले लोग हैं, अच्छा इनके दृष्टिकोण बहुत सीमित है, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपराधी है वो अपराधी है, जिसके ऊपर मुकदमे हैं, मुकदमे हैं, अगर वो अदालत से फरार है, आरोप लतीफ बोल रहे सजाती लोग कार्रवाई कब होगी, तमाम नाम बता रहे हैं इसके ऊपर, लतीफ दोबारा नाम करा दीजिए भाई, सजाती, अरे मैं कह रहा हूँ सुदामा पटेल का जो दर्द है उसको कैसे दूर करेंगे, ये चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती और, है, और किसी नाम पे आप ले रहे थे इमरान लतीफ,
और कई नाम आपने गिनाए थे। सबको दर्द है, ये बात ही चर्चा करके सबको दर्द है, इनका सबको दर्द होता है। यही समाजवादी पार्टी की समस्या है, यही आम आदमी पार्टी की समस्या है। बसपा की है कि नहीं है? बसपा की है कि नहीं है? चाहे जो कहे, एक समय था एक तरह से गठबंधन रहा है। अच्छा, मुख्तार की पार्टी से इनका ऐलान तो रहा है, क्या बोलेंगे इस पर? अपराधी जयराम भाई, से बड़ी बात कही आपके लिए अपराधी। गौरव भाई, लेकिन एक बात समझ मैं में सुना नहीं, जरा दोबारा मुझे। योगी आदित्यनाथ जी के जो सजातीय अपराधी है, बाहुबली है, उन पर उनके प्रवक्ता को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत नहीं, मैंने खाली इतना, वो कह रहे मुद्दा भटका रहे आप इनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज है, बुलडोजर कब जाएगा? वो भाग फरार होंगे, चल जाएगा, कानून के दायरे में नहीं चल रहा है। उनपे भी कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है, दीवार होंगे, दीवार हो जाएंगे, भागेंगे अदालत से, भागेंगे, बुलडोजर चल जाएगा। ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई, किसके ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई? आप जांच कराते हैं, अभी जांच हो रही थी जब देश भर के खिलाड़ी इनके खिलाफ खड़े थे, कौन सी उस जांच की क्या रिपोर्ट आई? यार, किसी खिलाड़ी ने कहीं दर्ज कराई? आप जांच के नाम पर उलझाएंगे, जनपे उलझाएंगे, जांच नहीं चलती है। दरअसल कहिए कि आप डरते हैं, आप डरते हैं, आप अराजकतावादी हैं, आप तो जेल में बंद मंत्री को बनाए रखने वाले लोग, मसाज पार्लर चलाने वाले लोग, तिरंगा लेकर निकले तो मसाज पार्लर तक आ गए। अच्छा, दो दो मंत्री आपके जेल में, आप क्या उपदेश बता रहे हो आपको? अरे भाई, देश का सबसे कट्टर चोर, कट्टर बेईमान, मोदी अडानी महाघोटाला, कट्टर चोर, कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्ट, बाईस बाईस बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। चुप रहिए आप, आप नैतिक तक पाक को मत बोलिए, ये आपका बेल इलेक्शन नहीं है। देवेंद्र मिश्रा बोलिए, आपके इलेक्शन में नहीं, देवेंद्र मिश्रा जी आपके तो राजस्थान लोगों का राजस्थान निवासी बोलिए, देवेंद्र मिश्रा बोलिए, बोलिए। नरेंद्र मोदी, जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत गंभीर मुद्दा, बिल्कुल बिल्कुल, और इसको राजनीतिक रंग, राजनीतिक दलों का चरित्र हो सकता जी, लेकिन बताओ एक अधिवक्ता के तौर से उच्च न्यायालय इलाहाबाद जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ जी कि इन्हीं जन, मतलब ऐसे जनप्रतिनिधियों का आपराधिक इतिहास जी कहीं न कहीं गंभीर संकेत है समाज के लिए जी। इनके खिलाफ 2019 में जो निर्भया कांड हुआ, उसके बाद इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इनको दूसरे प्रदेश में इसके जेल में भेजा गया जी। आज वो आ रहे हैं कोर्ट में ही अपील होने जी। न्यायपालिका अपना काम पूरी मुस्तैदी से करेगी जी। ये एक दिन में निर्णय सुनाए जाने वाले मुद्दे नहीं होते, पक्ष विपक्ष होती है जी, बिंदु होते हैं जी। आपको अवसर मिलता है, अपने आप को बताएं कि मैंने किया या नहीं किया, करने कोई बात नहीं होती। कल जिन बिंदुओं पे निर्णय आना है, उसमें क्या निर्णय आते हैं जी, उस पर हम बिना अध्ययन किए, बिना वो आए जी, हम कोई भी बात अगर करते हैं तो इनमें चोटी स्टेज पे है जी। और निश्चित रूप से ठीक, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं जी, और देश संविधान से ही चलेगा। ठीक है, ठीक है। इतने राजनीतिक लोग कतई घर पमी दिमाग में न पाले, वो दिल लग गए। सुनील त्रिपाठी बोले, सोशल मीडिया का दौर है, कल जो निर्णय आएगा लेकिन न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अपराधियों को अधिक से अधिक दंड देना चाह रही है। कोई भी अपराधी न्यायपालिका कार्यपालिका से बच करके जा नहीं रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल न्यायपालिका ऐसा निर्णय सुनाएगी जिसके कारण जो बेचारे पीड़ित वर्षों से इंतजार कर रहे थे न्याय का, उनके साथ कल न्याय होगा। गुरु जी, ये मेरा मानना है, और
अतीत के युग का धीरे धीरे अंत होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी, चर्चा थी जिस तरह से यहाँ पर चीजों को लेकर, चर्चा थी अतीक अहमद की सजा को लेकर जो कि कल सुनाई जाएगी। सजा क्या मिलेगी, इसका परिणाम क्या होगा और समाज पर संदेश क्या जाएगा, ये फिलहाल तीनों चीजें कल स्पष्ट हो पाएंगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जिस तरह से यहाँ चर्चा थी, वो चर्चा थी ये कि अतीक अहमद पर जितने मुकदमे दर्ज हैं उसके बाद पहली बार सजा का यहाँ पर ऐलान होगा। आमतौर पर कल का दिन 28 मार्च कोई अलग दिन नहीं, पर 28 मार्च एक ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है भारतीय न्याय संहिता में भी और भारतीय लोकतंत्र के लिए भी और भारत की जनता के लिए भी, जहां पर एक अपराधियों पर इतने सैकड़ों की संख्या में मुकदमे दर्ज है और पहली बार वहां पर सजा का ऐलान हो रहा है। संदेश महत्वपूर्ण, व्यवस्था महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात है कार्यवाही महत्वपूर्ण। सरकार के मंसूबे स्पष्ट है कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे, पर आने वाले समय में तमाम कितने माफियाओं पर इस तरह की कार्रवाई होगी ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि विपक्ष लगातार यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर और तमाम लोग नाम लेकर आरोप लगाता रहता है सरकार की कार्यशैली पर। आने वाला समय बहुत कुछ चीजें स्पष्ट करेगा और स्पष्ट करेगा योगी सरकार की माफिया को मैं को अलग थलग करने की, उनको मिट्टी में मिला देने करने की बात क्या स्पष्ट होगा, कौन कैसे होगा और सजाएं कैसी होंगी और कानून का राज स्थापित कैसा होगा, ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएगा। पर एक बात स्पष्ट है कि जहां चाह है वहीं राह है और सबसे महत्वपूर्ण बात काम करते रहिए। संघर्ष भी जरूरी है, नाम भी जरूरी है, विरोध भी जरूरी है और कहीं अगर बात कहें तो सजा भी जरूरी है, तभी संदेश जाएगा बेहतर समाज का और बेहतर न्यायपालिका का। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।